जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के आज अपनी इस टेस्ट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका आज हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। अपना मिशन अब की बार 90 पार अचीव करना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? सोचिएगा क्या सही प्रश्न और क्या सही आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल राइट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद यानी सरकारीकरण और निजीकरण दोनों दिखाई देते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? योजना आयोग स्थापित किया था जिसमें हर 5 साल की जो योजनाएं हम बनाते थे, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या होगा सही आंसर? 51-56, 52-57, 47-52 या 61-66? बिल्कुल सही चौथा ऑप्शन, 1961-1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, 1951 से पहली स्टार्ट हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, बिहार। खाद्य संकट सबसे अधिक प्रभावित राज्य बिहार था, बहुत बुरी हालत हो गई थी यहां पर। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? इंदिरा गांधी, जय प्रकाश नारायणी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री? किसका था? बिल्कुल सटीक, लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, लाल लाल बहादुर, बहादुर लाल बेमिसाल। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? 1996, 1966, 1941, 1971? क्या है सही? बिल्कुल सही, 11 जनवरी 1966 को उनका ताशकंद के अंदर निधन हो गया था, बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई थी देश को। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन BKU किस प्रदेश की किसानों का संगठन था? यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात या दक्षिणी भारत के किसानों का? महेंद्र सिंह टिकैत जिसके लीडर रहे, तो भारतीय किसान यूनियन यूपी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का प्रमुख संगठन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक। सातवां प्रश्न देखिएगा, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रही? सोचकर आंसर दीजिएगा, 1967 तक एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एक प्रभुत्व दल व्यवस्था? क्या होगा इसका सही आंसर? आपको पता है 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज, कोई आसपास भी नहीं फटकती थी पार्टियां, तो सही आंसर ऑप्शन चार होगा। ध्यान दीजिए, एक प्रभुत्व दल व्यवस्था, कांग्रेस प्रभुत्व दल। तो आप पहले में और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बात दोनों को चूज करने की हो तो एक प्रभुत्व दल व्यवस्था, कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो चौथा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1963, 1974, 1980 या 1998? एक प्रश्न इस प्रकार का परमाणु परीक्षण का पूरा संभावना रहेगी परीक्षा में, तो क्या होगा सटीक आंसर? इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन दो, 1974 में। ध्यान दीजिए, पहला इंदिरा गांधी के टाइम में पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम, और दोनों ही परमाणु परीक्षण कहां हुए थे? राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पोकरण के अंदर, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ
के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? 1957, 1962, 1967 या 1971 का मध्यावधि चुनाव, कौन सा इसका सही आंसर होगा? कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला था इस नारे का, इंदिरा जी ने इस नब्ज को पकड़ लिया था, गरीबी हटाओ। बिल्कुल सही, 1971 का चुनाव, 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर, जबकि विपक्ष कह रहा था इंदिरा हटाओ। तो नौवें का सही ऑप्शन है वो चार नंबर। दसवां प्रश्न देखिएगा, शिवसेना आपको पता है एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, ये कहाँ की है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब? तो शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का, और वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार भी चल रही है। तो दसवें का सही उत्तर दो नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI किस वर्ष लागू हुआ? 2002, 4, 5 या 3 में? बताइएगा सही आंसर। RTI, बिल्कुल सटीक आंसर, 2005 एक्ट से ये लागू हो गया था। अगला प्रश्न है बारहवां, क्या मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? बहुत प्यारा प्रश्न है, मंडल आयोग क्या था? OBC को 27% आरक्षण देने का ये सिफारिश करने वाला आयोग था, भी शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में OBC को 27% का रिजर्वेशन है वो दिया जाए, ये मंडल आयोग की सिफारिश थी। लागू किस प्रधानमंत्री ने किया ये बताना है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, वीपी सिंह थे उस टाइम जब इन सिफारिशों को देश में लागू किया गया और OBC को 27% का रिजर्वेशन मिला। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना घटित हुई? बहुत महत्वपूर्ण तिथि है देश के अंदर, गोधरा कांड हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जनता दल का गठन हुआ या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार का गठन हुआ? क्या इसका सही आंसर? बिल्कुल सटीक होगा आपका, वो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस, कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद इस दिन गिराई गई थी। अब तो ये विवाद भी खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग या अल्पसंख्यक आयोग? तो योजना आयोग का नया नाम हर किसी को अच्छे से याद है और वो है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां, के जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? जनता पार्टी की जब देश में पहली बार सरकार बनी तो उस टाइम देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह या जयप्रकाश नारायण, ये बताना है। आपको पता है वो है मोरारजी देसाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कभी PM नहीं बन पाए लेकिन जनता पार्टी की तरफ से PM बने मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, कई बार बच्चे ये पूछते हैं, सर आप कहते हो कि राजीव गांधी की डेथ के बाद है वो PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने। एक बात सोचिएगा, आप शब्दों पर गौर किया करें, कांग्रेस की तरफ से, यानी जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद में किस किस कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर बने उनकी बात आती है, तो PV नरसिम्हा राव भी, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 16वां प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? लीजिए वर्तमान से जुड़ गया ये प्रश्न, वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA राजग जिसको कहते हैं, या तीसरा मोर्चा या वाम मोर्चा? तो अब आपको ये सोचना चाहिए, बड़ी पार्टी कौन सी है? BJP, और भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बना हुआ संगठन कौन सा है? NDA। तो इस हिसाब से अगर आज के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर सही छांटे तो वो कौन सा होगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हालांकि BJP के पास भी पूर्ण बहुमत था लेकिन अपने गठबंधन को इन्होंने कायम रखा है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? बहुत प्यारा प्रश्न है,
आपको पता है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। किस भाषा को लेकर? तेलुगु भाषा को लेकर। महाराष्ट्र की बात करें और गुजरात की बात करें तो मराठी भाषाओं लोगों के लिए महाराष्ट्र बन गया और गुजराती वालों के लिए गुजरात बन गया। तो इनमें से चौथा ऑप्शन है वो सही होगा भी। इसका उत्तराखंड का निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका निर्माण है वो हुआ है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर बने हुए राज्य हैं। तो 17वें का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? आपको पता है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट, इनके बीच तगड़ी लड़ाई चलती थी और लड़ाई इस तरीके से होगी भी कांग्रेस दो भागों में टूट गई, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। वो आपको सन बताना है। बिल्कुल सही, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 19वां प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 51-56, 52-57, 47-52 या 55-60, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में योजना आयोग बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? 90 में, 91 में, 92 में या 53 आ गया 93, कुछ भी ऑप्शन हो जाता। तो नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई ये आपको बताना है। तो वो सही एक ईयर आपको छांटना हो तो वो है 1991, देश के अंदर नई आर्थिक नीति की शुरुआत हो गई जो आगे कायम रही। दूसरा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है 21वां का, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? सीआरदास, सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू या वीर सावरकर। भारतीय व्यक्ति जो भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल बना, बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम या उत्तर प्रदेश, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है ये, जब देश के आर्थिक विकास को लेकर औद्योगिकरण को मानते हुए, औद्योगिक करण के अंतर्गत बहुत से उद्योगों की स्थापना की बात की गई थी जिनका काफी विरोध भी हुआ था। तो सही बिल्कुल एक नंबर ऑप्शन, उड़ीसा में पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? उड़ीसा में। उसके बाद इंदिरा हटाओ किसका नारा था? गरीबी हटाओ इंदिरा का नारा था। और इंदिरा हटाओ किसका नारा था यह बताना है, विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, भारतीय साम्यवादी पार्टी का या किसी का भी नहीं। इंदिरा हटाओ किसका नारा था? तो उस टाइम कांग्रेस के बाद जितनी भी पार्टियां थी, विपक्ष की पार्टियां, उन सब का ये नारा था इंदिरा हटाओ। तो विपक्षी गठबंधन ने ये नारा दिया था लेकिन पार नहीं पड़ी। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? किस वर्ष? 47, 49, 50 या 52। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको गलत होने की बड़ी संभावना रहती है। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ या किस वर्ष अंगीकृत हुआ? लागू होने की बात आ जाए तो वो है 1950, 26 जनवरी 1950। अंगीकृत यानी अपनाया गया तो वो है 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन दो। किस वर्ष अंगीकृत आत्मार्पित किया गया? 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। हाँ, वो अलग बात है लागू कब माना 26 जनवरी 1950 से, और इसी कारण हम गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया, सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसमें किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या है? 1956 से लेकर 1961 तक है भाई, पहली का 1951 से लेकर 1956 तक, तीसरी का 1961 से 66 तक होगी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेवा, ग्रामीण, कृषि या भारी उद्योग, किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही, भारी उद्योगों के ऊपर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ध्यान दीजिएगा, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया।
अगला प्रश्न है 26वां, क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस, मेधा पाटेकर, कल्याण सिंह या भीमराव अंबेडकर? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक, बिल्कुल सही, पीसी महालनोबिस। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, मिलता जुलता प्रश्न पहले भी आ चुका है, किस वर्ष हुआ था? 90, 89, 92 या 93? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई दी गई थी, 1992 हो गया फिर इसका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्या देश के विभाजन से कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? जब देश का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो देश के जो स्टेट है, प्रांत है, राज्य है, वो प्रभावित हुए, वो दो राज्य थे मुख्य थे, उनके नाम बताने हैं, बिहार उड़ीसा, महाराष्ट्र मद्रास, उत्तर प्रदेश उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो बिल्कुल सही, पंजाब और बंगाल। पूर्वी जो बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, पंजाब का जो पश्चिमी इलाका था वो भी पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाब और बंगाल है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 29वां प्रश्न है, सिंडिकेट क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह है, गैर कांग्रेसवाद का समूह है, या भारतीय जनसंघ की एक समिति थी, या उपरोक्त सभी? क्या था सिंडिकेट? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था, वो सिंडिकेट कहलाता था। के कामराज, मोरारजी देसाई प्रमुख थे उसके अंदर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए, किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? पहला आपको पता है, कांग्रेस को ही मिला, स्टार्टिंग के तीनों चारों चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व भी रहा, तो दूसरे स्थान पर बताना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल या मुस्लिम लीग, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो वो कॉमरेड थे भाई, बिल्कुल सही, पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये उस पहले आम चुनाव में सेकंड पोजीशन के ऊपर है वो रही थी। तो ये थे आज के अपने 30 प्रश्न। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है भी, आज पॉलिटिकल साइंस के बुक सेकंड के इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। अपना नाम या स्कूल का नाम जो आप उचित समझे लिखकर अपने मार्क्स हैं वो शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी चले पता भी मेरे होनहार किस पोजीशन में चल रहे हैं। तो ये थी आपकी सेकंड बुक का अपना सेकंड टेस्ट, जल्द ही हम फर्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर देंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।